हाय गाइस वेलकम टू लर्निंग लॉज इस क्लास के पहले हम दो और क्लासेस ले चुके हैं जहां पे हमने डिस्कस किए थे सम एवरग्रीन केसेस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये ऐसे केसेस हैं चाहे आप एक बिगिनर हो आपने लॉ अभी अभी पढ़ना शुरू किया है आप क्लैट के लिए अपियर होने वाले हो आप जुडिशरी के एस्पेरेंट हो अब चाहे कुछ भी कर रहे हो अगर आप किसी भी तरह से लॉ से अगर आप रिलेटेड हो तो ये सभी के सभी, के सभी केसेस आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जानना बहुत जरूरी है तो अगर आपने वीडियोज नहीं देखी है पहली बार दोनों तो मैं आपके लिए उसको आई बटन पर लिंक कर दूंगी आप प्लीज जाकर उन दोनों वीडियोज को भी देख लीजिए जहां पर हमने सिक्स सिक्स केसेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इस क्लास में सिक्स और केसेस डिस्कस करने वाले हैं तो चलिए क्लास के साथ शुरू करते हैं हमारा पहला केस है बाबू राम जैन वर्सेज एल तो देखिए इस केस में क्या होता है ना कि ए बी को बोलता है कि आपको मुझे वो एल बेच रहे होते हैं ठीक है तो वो बोलते हैं कि आप मुझे प्रीमियम दोगे थ्री सिक्सटी रूपीज़ का इसके लिए आपको सो एंड सो आपको मिलेंगे बेनिफिट्स ठीक है बी बोलता है कि ठीक है मैं आपको थ्री सिक्सटी रुपीज़ दे दूंगा आप मुझे मेरा एल जो पॉलिसी है वो आप मुझे दे देना बट जब बारी आती है ना पे करने की तो बी क्या करता है थ्री सिक्सटी रुपीज़ की जगह थ्री फिफ्टी रुपीज़ ही बस प्रीमियम पे करता है और एक उसे एक्सेप्ट कर लेता है हो सकता है ए ने ध्यान नहीं दिया हो बट ए एक उसे एक्सेप्ट कर लेता है अब होता यह है ना कि एक रीजनेबल टाइम पीरियड दिया जाता है अंडर द लॉ कि ठीक है 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 अगर आपने गलती से भी भी एक्सेप्ट कर लिया है, तो जब आपको पता चलता रीजनेबल टाइम के अंदर तो आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हो ठीक है बट इस केस में क्या होता है ना कि ए कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है ठीक है और कोई भी क्योंकि रीजनेबल टाइम में ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है तो ही वॉज बाउंड बाय वॉट ही हैज एक्सेप्टेड ठीक है तो इस केस में फिर क्या होता है कि इवन दो ए ने जो उसे बी ने उसे पैसे दिए थे थ्री फिफ्टी रुपीज ठीक है और जो बात हुई थी वो हुई थी थ्री सिक्सटी रुपीज की बट अब अगर थ्री फिफ्टी रुपीज दिए हैं और उसने अगर ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया था तो अब क्या होगा यहाँ पे गलती मानी जाएगी जिसने पैसे एक्सेप्ट किए थे आपने कम पैसे एक्सेप्ट किए ही क्यों तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर ए को जो है वो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करेगा ना एल आई सी पॉलिसी के अंदर बी को वो वो सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा जो उसे थ्री सिक्सटी के एल आई सी के प्रीमियम में मिलती ठीक है ये एक इंडियन रूल है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल इन अ मैनर नॉट प्रेस्क्राइब प्रपोजल का इस तरीके से जो प्रेस्क्राइब नहीं था तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट ही है आपको समय दिया जाएगा प्रपोजल इज गिवन टाइम टू एक्सेप्ट द सेम ठीक है और अगर वो अपनी आवाज नहीं उठा पाता है ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाता है तो इसका मतलब ये माना जाता है कि उसने वो एक्सेप्ट किया है तो इवन दो उसे थ्री फिफ्टी रुपीज ही मिले थे बट उसे थ्री सिक्सटी वाला प्रीमियम

तो प्लेन बोलता है कि ढाई सौ रुपये इतनी महंगी साड़ी थी अब तुम तो मुझे पूरे के पूरे ढाई सौ रुपये वापस करो तो ड्राई क्लीनर बोलता है कि आपने जब हमें लाकर आपकी साड़ी दी थी ड्राई क्लीनिंग के लिए तब हमने हमने आपको एक दी थी उस रिसीट पे हमने साफ साफ लिख के रखा है टर्म्स एंड कंडीशन की इन केस आपका कोई भी सामान गुम हो जाता है तो हम आपको सिर्फ पचास प्राइस ही देंगे उसका ठीक है कोई दो रुपए का सामान है तो हम आपको सिर्फ सौ रुपए ही देंगे अंडर द टर्म्स एंड कंडीशन तो ये मैटर फिर चला जाता है कोर्ट में तो जब ये मैटर कोर्ट में गया ना तो कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि जब भी कोई टर्म्स एंड कंडीशंस कोई बनाता है कोई भी कुछ को, चाहे ड्राइक क्लीनर हो या कोई भी पर्सन हो तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस को अनरिज़नेबल नहीं होने चाहिए और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए ऐसा क्यों कहा कोर्ट ने ऐसा कोर्ट ने कहा कि अगर आप ये कर दो कि चलो ठीक है ढाई सौ रुपए की बात थी सपोज कोई दो लाख कि आपके पास साड़ी आई है के लिए और आप बोल रहे हो कि ठीक है अगर वो चोरी हो गई या मिसप्लेस हो गई तो हम आपको एक लाख ही देंगे तो इसका मतलब क्या है कि जो जितने भी ड्राई क्लीनर्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं मिसअप्रोप्रिएट कर सकते हैं कि बाप रे दो लाख की चीज हमें एक लाख में ही मिल रही है तो चलो इसको गुम कर लेते हैं इसको हम लोग चोरी कर लेते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना इसीलिए कोर्ट ने कहा कि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल ठीक है दैट इज ऑल अबाउट इट ऑल्सो ऑल्सो कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कोई पार्टी चाहता है कि ठीक है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के पहले ये टर्म्स एंड कंडीशन है तो वो उसे साफ साफ बता दे जब वो ड्राइटिंग के लिए कपड़े देने के लिए आए थे तभी उन्हें, उन्हें उन्हें बता देना चाहिए था कि देखिए हमारी ये ये पॉलिसी है आप पढ़ो ना पढ़ो हम आपको बता रहे हैं ठीक है और कॉन्ट्रैक्ट जब कॉन्ट्रैक्ट में जब वो एंटर हो गए हैं उसके बाद अगर आप उन्हें बता रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है तो इन दिस केस कोर्ट ने उन्हें पूरे के पूरे पैसे दिलवा दिए थे उस साड़ी के अब आते हैं हमारे नेक्स्ट फेज पे पार्कर साउथ ईस्टर्न रेलवे कंपनी देखिए इस केस में क्या होता है ये सिमिलर टू डेट ही है जो हमने अभी केस पढ़ा बट उससे डिफरेंट है उससे कैसे डिफरेंट है वो हम अभी देखते हैं तो इस केस में क्या होता है कि एक प्लेंटिव होते हैं वो जाते हैं रेलवे स्टेशन पर वहाँ पे क्लोक रूम होता है क्लोक रूम मतलब आप जहाँ पर अपना सामान रख सकते हैं ठीक है थीके? तो वो जाता है अपना बैग वहां पर दे देता है काउंटर पे ठीक है और जब वो बैग देता है तो उसको बदले में एक रिसिट मिलती है और उस पर लिखा हुआ होता है टिकट पे उस रिसिट रिसिप्ट लिखा होता है कि पीछे देखो सी बैग ठीक है क्योंकि पीछे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती है अब टर्म्स एंड कंडीशंस में मैंने क्लियरली ये लिखा होता है कि अगर किसी पर्सन का कोई सामान कोई लगेज चोरी हो जाता है तो हम सिर्फ और सिर्फ दस यूरोस ही देंगे अब होता ही है कि जो होता है उसका बैग चोरी हो जाता है अब वो जाके बोलता है कि मुझे पूरा अमाउंट चाहिए मेरा बैग इतना महंगा था मेरे बैग में इतने इतने महंगे सामान थे मेरे बैग में कैश था मुझे वो सारी चीजों का जो है कॉम्पनसेशन चाहिए जितना भी वैल्यू था मेरे उस बैग का उस बैग के अंदर के सामान का मुझे वो पूरा पैसा चाहिए तो वो मना कर देते हैं बोलते हैं कि नहीं हम सॉरी आपको नहीं दे सकते हैं तो ये मैटर चला जाता है कोर्ट में तब कोर्ट क्या कहती है कोर्ट ने कहा कि डिफेंडेंट ने पूरी पूरी कोशिश करी थी मतलब जितना कुछ उनसे हो सकता था उन्होंने किया था ठीक है उन्होंने आप, आपका अटेंशन उस उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाने के लिए सब कुछ किया था कि बोर्ड लेटर्स पे उन लोगों ने पहले ही रिसीट पे लिख दिया था सी बैक इसका मतलब क्या है कि अपने तरफ से उन लोगों ने आपको पूरा पूरा नोटिस उस उस बात, उस बात बात के बारे में आपको दिया था, और इसीलिए होंगे हमारे नेक्स्ट केस पे दैट इज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वाला केस इस केस में क्या होता है ना कि दो पार्टीज होती है देखो मैं आपको इस केस को समझाने से पहले एक एग्जाम्पल समझाती हूँ एक इलस्ट्रेशन समझाती हूँ इसी के बेसिस पे तो आपको बहुत अच्छे से इसके जो फैक्ट्स हैं वो समझ में आ जाएंगे तो एक बार होता क्या है ना कि दो लोग होते हैं एक तो मतलब लैंड ओनर होता है और एक रेंट पे लेने के लिए रहने के लिए टीनेंट आता है ठीक है तो क्या होता है ना कि वो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है रेंट एग्रीमेंट किया होता है तीन साल का कि तीन साल के लिए ये घर मैं आपको रेंट पे दे रहा हूँ ठीक है अब तीन साल के बाद क्या होता है वो लोग उसे फर्दर तीन साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं तो फिर ठीक है भाई अब अगले तीन साल के लिए भी वो उसी में रह रहे हैं अब छह साल पूरे कंप्लीट हो जाते हैं तीन साल पहले के तीन साल बाद में जो एक्सटेंड हुए थे अब छह साल कंप्लीट हो जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जो रेंट एग्रीमेंट था वो बस तभी तक का था और अब वो खत्म हो गया कलेप्स हो गया लेकिन होता क्या है ना कि उस छह साल कंप्लीट होने के बाद भी जो टेनेंट होता है वो कंटिन्यू करता है घर में रहने के लिए और जो जो लैंडलॉर्ड होता है वो उससे हर महीने जाता है और रेंट जो है वो कलेक्ट करके वापस चला जाता है फिर बाद में हो सकता है कि कुछ अनबन उनके बीच में हो जाती है मैटर जाता है कोर्ट में और लैंड लॉड जो है वो बोलते हैं कि इन लोग का लैंड एग्रीमेंट तो खत्म हो रेंट एग्रीमेंट इनका खत्म हो गया था छह साल में ही और ये लोग अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं इसलिए हमने इनको कहा कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ तुम लोग का रेंट एग्रीमेंट जो है वो एंड हो गया है अब ठीक है तुम लोग इलिगली यहाँ पे रह रहे हो तो कोर्ट ने उस केस में क्या बोला कि कभी कभी पार्टीज का कंडक्ट और पार्टीज की चुप्पी भी हमें बहुत कुछ चीजें समझा देती है ठीक है एक टर्म्स एंड कंडीशंस जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के कई बार सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि वो मुंह से बोलकर ही किया या रिटेन में ही दिया जाए ठीक है अगर कोई पर्सन का कंडक्ट कुछ और चीज दिखा को देखने में। वो कैसे देखो इस में, इस में हुआ क्या था टीन जो थे हम, हम अभी के बारे में बात कर रहे थे, जो थे वो कंटिन्यू कर रहे थे रहना उन्होंने कभी घर छोड़ा नहीं टीन कंटिन्यू कर रहे थे रेंट पे करना और जो लैंडलॉर्ड थे वो हर महीने आके रेंट लेके भी जा रहे थे इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई उनके बीच में एग्रीमेंट था कि ठीक है रेंट एग्रीमेंट तो खत्म हो गया उनके बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी कि रेंट एग्रीमेंट खत्म इवन दो हो चुका है बट यू मे कंटिन्यू टू लिव हि और यही हुआ था इस केस में भी इस केस में क्या होता है कि दो पार्टीज होती है उनके बीच में कुछ वेसल्स का हायरिंग का उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में दो साल का होता है फिर वो लोग दो साल के बाद में उसको फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं ठीक है और जब वो फर्दर एक्सटेंड करते हैं ना उसके बाद भी जाकर के उनका जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो खत्म हो जाता है ठीक है बट वो लोग क्या करते हैं ना कि वो लोग हायरिंग के जो रेट्स है वो भी नहीं बढ़ाते हैं कुछ नहीं करते हैं और प्लेटिव उस वेसल्स को यूज करते रहता है तो एक बार जो ऑफर होता है वो लेटर भेजता है और वो बोलता है कि ये जो वेसल्स हैं इनको तुम कंटिन्यू करो अपने पास ही रखो और जो पहले के टर्म्स एंड कंडीशन थे वही अभी भी अप्लाई होते रहेंगे इस बात का ऑफर ही जो है ना वो कोई भी जवाब नहीं देता है बट वो वेसल्स को यूज करते रहता है ठीक है फिर उनके बीच में बात हो जाती है तो मैटर चला जाता है कोर्ट में Apex कोर्ट के पास जब ये मैटर जाता है तो कोर्ट ने क्या कहा कोर्ट ने कहा कि एन ऑफर इज साइलेंस कपल्ड विथ हिज कंडक्ट टेक्स द फॉर्म ऑफ अ पॉजिटिव एक्ट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्टेंस मतलब ऑफरर ने जब कहा लेटर भेज करके कि तुम इन वेसल्स को रख सकते हो पहले वाले टर्म्स एंड कंडीशंस थे उनके अंदर ही तो अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम थी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थे से या किसी भी चीज से तो तुम्हें उस वक्त बोलना चाहिए था तुमने तो मुझे जवाब ही नहीं दिया इसका मतलब तुम्हारा साइलेंस जो है और तुमने क्या किया तुमने जवाब नहीं दिया एंड यू कंटिन्यूड यूजिंग दो वेसल्स तो आपने जवाब नहीं दिया और आप फिर भी उसको यूज कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो ठीक है तो कोर्ट ने कहा कि यहाँ इस केस में जो जो ऑफरिंग की जो साइलेंस थी और उसका जो कंडक्ट था हम मिला दे तो परता क्या चलता है कि बोलते हैं एग्रीमेंट सब दैट इज ऑल अबाउट दिस केस अब आते हैं नेक्स्ट केस पे क्लॉस ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहां पर बात होती है ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट में ना एक आ, Uh, क्या बोल सकते हैं हम डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि दो लोग जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो ही एक दूसरे के खिलाफ टर्म्स एंड कंडीशन उसको एनफोर्स कर सकते हैं ठीक है वो ही उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कर सकते हैं मतलब कि जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो भी उनके बीच में बात होगी वो दो पार्टीज के बीच में ही होगी कोई थर्ड पर्सन आकर के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता कोई थर्ड पर्सन आकर इनफैक्ट सी भी नहीं कर सकता है ठीक है बट इस रूल का एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन हम लोगों को देखने को मिला इस केस में तो इस केस में क्या होता है ना कि एक एयरलाइंस होती है और एक होटल होती है उन लोगों के बीच में ज्वाइंट मतलब वो होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है तो वो लोग क्या करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं एयरलाइंस और होटल वाले और एयरलाइन वाले बोलते हैं कि आप लोगों का होटल की चेन है पूरे ऑल ओवर इंडिया और हम लोग की भी जो प्लेन है वो जाती रहती है सब जगह तो इसीलिए हमारा जब भी क्रू कोई भी क्रू मेंबर होगा वो उस उस जगह पर होगा जहाँ पर आपका होटल है तो वो आप ही के होटल में रुकेगा ठीक है तो अब क्या होता है एक पायलट होता है उस होटल में रुकता है वो और वो स्विमिंग करने के लिए जाता है जब वो स्विमिंग करने के लिए जाता है ना तो वो जो पूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफेक्टिव होता है जिसकी वजह से उसको बहुत सारी चोट लग जाती है उसको उसकी वजह से पैरालिसिस हो जाता है और पैरालिसिस के तेरह साल बाद उनकी डेथ हो जाती है अब जो पायलट के घर वाले होते हैं लीगल एयर्स होते हैं बेसिकली वो कर देते हैं केस ईस्ट इंडिया होटल्स पे वो बोलते हैं आप लोग की लापरवाही की वजह से आज उनकी डेथ हो गई तो होटल वाले कहते हैं कि आपका कोई राइट नहीं है हमारे ऊपर कोई भी केस करने का बिकॉज आप थर्ड पार्टी हो मेरा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो एयरलाइन से हुआ था ना कि इन पायलट से या फिर ए, 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 इनके फैमिली मेंबर्स से तो इसलिए ये मेरे खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले सकते हैं फ्री मैटर कोर्ट में गया तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा कि दिस क्लेम सक्सीडेड अगेंस्ट द होटल मैनेजमेंट ठीक है उनको मिला जो घर वाले थे उनके लीगल एयर्स थे उनको मिला कॉम्पनसेशन क्यों मिला बिकॉज इन दिस केस जो पायलट था ना वो एक बेनिफिशियरी था एयरलाइंस और होटल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो था बट उस जो कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी कौन था क्रू मेंबर्स थे पायलट कौन था क्रू मेंबर था तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर होता है ना जहाँ पर कोई एक थर्ड पर्सन एक बेनिफिशियरी होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होने से या ना होने से उस बेनिफिशियरी के ऊपर कोई असर आ सकता है तो वो बेनिफिशियरी भी उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है मतलब स्यू कर सकता है पार्टीज को बेसिकली और कोई एक्शन ले सकता है तो इस केस में भी कोर्ट ने यही कहा कि जो पायलट थे वो बेनिफिशियरी थे इस कॉन्ट्रैक्ट के इसीलिए इवन दो एयरलाइन और होटल्स ही इसमें एक पार्टी थे बट इन लोग ये लोग भी स्यू कर सकते हैं और इन्हें भी ये अपना क्लेम जो है इन्हें मिल जाएगा दैट इज ऑल अबाउट दिस केस अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे ये तो वर्ल्ड फेमस केस है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मोहरी बीवी वर्सेज धर्मोदास घोष अब देखो इस केस में क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब भी हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि माइनर जो होते हैं वो हमेशा इनकॉम्पिटेंट होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कौ, करने के लिए ठीक है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते हैं तो तो बाई चांस अगर कोई माइनर uh, हो हो तो होता, होता, तो होता, होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज पे दे देता है एक मनी लेंडर को ठीक है और उससे लोन में पैसे ले, ले लेता है अब जो मनी लेंडर होता है उसका जो राइट right हैंड होता है राइट right हैंड मतलब जो उसके साथ काम कर रहा है जो अटोर्नी है जो मेन सारा सामान सारा काम देखता है उस पर्सन को पता होता है कि माइनर जो है वो जो सॉरी जो सामने से जो मॉर्गेज पे प्रॉपर्टी रख रहा है हमसे लोन लेके जा रहा है वो एक माइनर है बट वो क्या करता है मनी लेंडर को कुछ नहीं बताता है और वो उसे पैसे दे देता है अब बाद में जब पैसे वापस लेने की बारी आती है तो माइनर देने से मना कर देता है माइनर क्या बोलता है हमारे बीच तो कोई एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता है बिकॉज जब मैंने आपसे प्रॉपर्टी मॉर्गेज पे रखी थी और प, लोन लिया था तब तो तुम एक माइनर था तो इसीलिए जो हमारे बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो वॉइड है इनऑपरेटिव और मैं, मैं मैं कोई भी चीज आपको कोई भी पैसा देने के लिए लाइबल नहीं हूँ उसके बाद जो मनी मनी लेंडर्स के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कहते हैं उस माइनर के ऊपर लॉ ऑफ एस्टॉपल लगाओ लॉ ऑफ एस्टोपल शुड बी अप्लाइड ऑन द माइनर और उसे बोलो कि हमारे जितने भी पैसे थे उसे रिफंड करें में बेसिकली क्या होता है उसमें ये होता है कि अगर आप पहले कोई एक बार एक एक चीज बोल चुके स्टेटमेंट दे चुके हो तो आप उससे मुकर नहीं सकते हो तो अगर आप हमारे पास लोन लेने आए थे तब आपने कहा था कि आप एक मेजर हो तो अब आप, आप बाद में ये नहीं बोल सकते कि आप एक माइनर हो आप अपने मुद्दे से आपकी बात से आप मुकर नहीं सकते हो फिर ये मैटर जाता है कोर्ट के पास अब कोर्ट ने क्या कहा कोर्ट ने कहा कि इन एग्रीमेंट विज माइनर इज वॉइड किसी भी माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है और इस पे इस इस लॉ लॉ ऑफ ऑफ केस केस में अप्लाई अप्लाई नहीं नहीं होगा इस पे क्यों नहीं होगा क्यों बिकॉज बिकॉज जो मनी लेंडर के बिहाफ पे जो अटॉर्नी काम कर रहा था मनी लेंडर का जो आदमी था जो उसके साथ काम कर रहा था सारी चीजें देख रहा था डॉक्यूमेंटेशन एक्सेट्रा उसको पता था कि जो माइनर आया है जो इंसान हमारे पास लोन लेने के लिए आया है वो एक माइनर है उसे पता होने के बाद भी उसने अपने पार्टनर को नहीं बोला उसने रेंडर को नहीं बोला ये बात कि ये ये माइनर है इसको मत दो तो बिकॉज उन्हें ऑलरेडी पता थी इसीलिए पर क्या होगा लॉ ऑफ अप्लाई नहीं होगा और माइनर के साथ क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड होता है और वो इनकॉम्पिडेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए इनकॉम्पिडेंट है इसीलिए वो उसको पैसा रिपे करने के लिए भी नहीं बोल सकते हैं दैट इज ऑल अबाउट दिस लैंडमार्क जजमेंट So, इसी के साथ हमारी ये सीरीज जो है वो खत्म होती है ऑफ एवरग्रीन केसेस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐसे ही हम और क्लासेस में आपसे मिलते रहेंगे विथ सच कॉन्टेंट आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ और आपको ये इजीली समझ में आ रहा हो बिकॉज मेरा जो एम है वो यही है कि आपको इजीली सब कुछ सारी बातें समझ में आए तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स